हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्यारे से लुक। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप इस तरह के लुक क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह की लुक बहुत ही इजी होती है और अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आप देख सकते हो कि आप इसको जो पंजाबी सूट होते हैं सिंपल ड्रेसेस के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है, और यहाँ पे अपना सबसे पहले मैं स्किन केयर कर रही हूँ। एज़ यूज़ुअल, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपना स्किन केयर कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, और आप भी मत किया करो स्किप, क्योंकि जो स्किन केयर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी स्किन को थोड़ा डैमेज कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपना स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए। और टोनर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप वाला सिरम यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और अपने फेस को, अपने आईज़ को, अपनी नेक को अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरी जो स्किन है वो हेल्दी रह सके। और इसी के बाद यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, और आईब्रो फिल करने के लिए हमेशा की तरह मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ। ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट वाला आई शेडो है, आई शेडो नहीं कह सकते, आईब्रो के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, और एक नेचुरल सी फिनिशिंग यहाँ पे हमें मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, एंड कलर बार का प्राइमर आई थिंक सभी को पता है कि कितना अच्छा प्राइमर है। और कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, और बेस्ट बेस्ट कंसीलर मैं कहूँगी। अगर आप कोई कंसीलर परचेज़ करने की सोच रहे हो तो गुड स्विस ब्यूटी या NYB का ही कंसीलर आप परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंसीलर है ये ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इनकी जो फिनिशिंग है, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे SQ का कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। आई शेडो पैलेट में ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की टैमी एक्स, और जैसे कि मैंने अपना जो मेरी ड्रेस है वो ब्लू और पिंक कलर की है, तो मैं अपना जो आई मेकअप है आज उसी से मिलता जुलता करूँगी। ट्रांजेक्शन कलर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, और आप देख सकते हो कलर कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक एक ही बार यहाँ पे अपने ब्रश पे इसको लिया है, और आप देख सकते हो मेरी पूरी लिड यहाँ पे कवर हो गई है, इतने ज़्यादा पिगमेंटेड कलर हैं ये। और यहाँ पे मैं एक कट क्रीज करूँगी, अपनी एक छोटी सी क्रीज यहाँ पे मैं कट करूँगी, ताकि जो मैं एक अच्छा सा लुक यहाँ पे क्रिएट करना चाहती हूँ होपफुली वो हो जाए। तो मैं हल्के हल्के, हाँ बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि मैं अभी मेकअप करना सीख ही रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो इन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा मेकअप जो होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो टाइम बेशक ये ज़्यादा लग जाए, बट अपनी स्किल को, अपनी ब्लेंडिंग को आप टाइम दीजिएगा। और जहाँ पे मैंने कट क्रीज अप्लाई की थी वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि जो इसके ऊपर हम जो भी आई शेडो अप्लाई करें वो मैसी ना हो जाए। और यहाँ पे मैं पिंक कलर की आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। ब्लेंडिंग ब्रश आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है कट क्रीज के ऊपर, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी इजीली ये हो गया। और थोड़ा सिमरी शेड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ पिंक शेड के ऊपर, ताकि और अच्छी सी फिनिशिंग हमें मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि ईद भी आ रही है, तो अगर आप ईद पे भी इस तरह का कुछ मेकअप करना चाहते हो तो मेक श्योर कर सकते हो। न्यूली ब्राइडल है तो आपके लिए ये वाला मेकअप बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं अपना आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आईलाइनर के लिए मैंने SQ का स्टे कुकी का यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया है, बहुत ही स्मूथ सा ये आईलाइनर है, बहुत ईजिली यहाँ पे लग जाता है, मतलब इसको लगाना ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं जो मैंने टेप लगाई थी वो मैं यहाँ पे इसको उतार दूँगी, और यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं फिर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, मस्कारे के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वो ले रही हूँ मेबलिन का था। और काजल के लिए एज़ यूजल प्लम, माई मोस्ट 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 फेवरेट। और फाउंडेशन की यहाँ ले रही हूँ मैं यहाँ पे लोरियल फिटमी का नहीं है।
फिटमी का है एक्चुअली, मैंने लोरियल का अभी अभी ऑर्डर किया है, तो मेरे माइंड पे वही चल रहा था कि आई थिंक मैंने लोरियल का अप्लाई किया है, बट लोरियल का नहीं था, फिटमी का था और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने जो मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और इसको अच्छे से डैप डैप करके डैप मोशन में इसको सेट कर लेना है। और एक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने जो मेरे आईज़ के नीचे तो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी, ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो ख़राब ना हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक का लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, एंड यू कैन सी गाइस कितना अच्छा ये लूज़ पाउडर है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इस लूज़ पाउडर से मिलती है आपको, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ उस लूज़ पाउडर से। इतना मुझे कॉम्पैक्ट भी नहीं अच्छे लगते जितने मुझे लूज़ पाउडर अच्छे लगने लगे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी नोज़ को थोड़ा शेप देने के लिए अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर कर लूँगी। एंड गाइज, आप मेकअप जब करते हो तो कंटूर ज़रूर किया करो, उससे क्या होता है जो आपका पूरा फाउंडेशन से फेस वाइट हो जाता है, इस इन चीज़ों से लगाने के बाद आपकी फेस को एक अलग सी लुक प्रोवाइड हो मिलती है। और इसके बाद मैं ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रही हूँ, ब्रॉन्जर के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट ली है, जिसमें आपको 3 का कॉम्बो मिल जाता है, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, ब्लश। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी और बिल्कुल नेचुरल सी शेड है ये मेकअप रेवोल्यूशन वाले की। अभी अभी मैंने न्यू एक पैलेट और परचेज़ की है, वो भी बहुत अच्छी पैलेट है। और इसके बाद मैं जो मेरा लूज़ पाउडर था उसको अच्छी तरह पूरे फेस पे फैला लूँगी, ताकि जो मेरी फिनिशिंग है, जो मेरा यू नो मैंने ब्रॉन्जर ब्लश अप्लाई किया है, वो अच्छे से डिफाइन हो सके। और जो मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट अपने फेस पे इसको लगा के रखा था, ताकि मेरे फेस का जो ऑयल है वो इसके अंदर जा सके। और इसके बाद मैं मेकअप रिवोल्यूशन की दूसरी पैलेट से ही तो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे पिंक कलर का हाइलाइटर, और बहुत ही नेचुरल सी लुक आपको प्रोवाइड करता है। और थोड़ा सा मैंने नोज़ पे इसको अप्लाई कर लिया है, एंड यू कैन सी माय नोज़ कैसे शाइन कर रही है। जो एरिया आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। एंड मैं ब्लू कलर के आई शेडो से ही थोड़ी सी अपनी जो मेरा काजल था इसके नीचे थोड़ी सी मैं इसको स्मच कर लूँगी ब्लू आई शेडो की हेल्प से। आप यहाँ पे पिंक भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और मेकअप रिवोल्यूशन की पैलेट से ही मैं यहाँ पे जो मेरी आईब्रो बोन है वहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर और अप्लाई कर लूँगी। एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा हाइलाइटर लगाने से ही आईज मेकअप में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी हाइलाइटर। और इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल की पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा शेड है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लूँगी शुगर कॉस्मेटिक का। एक्चुअली गाइस, जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होती रहती हूँ मैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरा मेकअप भी। और यहाँ पर मेरा फाइनल मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आप लोग को अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो ये वाला स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, तो इससे क्या होता है हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर लूँगी, और ज्वेलरी मैंने लोकल मार्केट से ली है, बराड़ा से, ओबरॉय पैलेस से, एंड बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है, आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हो। और बस ये थी मेरी फाइनल लुक, फॉल्सेस मैंने अप्लाई कर ली है, और ये वाला मेकअप लुक मैंने अपनी एनिवर्सरी पे क्रिएट किया था। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेकअप अच्छा लगा हो, पूरी कोशिश की है मैंने इस मेकअप को क्रिएट करने की ताकि अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकूँ मैं। एंड चूड़ा बस इतना ही, हेयर स्टाइल इतना नहीं किया मैंने, सिंपल से ही रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद मैंने मेकअप लुक क्रिएट करने के बाद मैंने जस्ट एक सिंपल पोनी कर ली थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।